अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। लाठी चार्ज नहीं करेंगे, इनकी गोली नहीं चलती है। बिहार के युवा जब रोजगार मांगते हैं तब इस पे चलती है। छात्र जब अधिकार मांगते हैं BCCI रेलवे को लेकर, छात्रों पर केस हुआ वापस नहीं किया गया। आर्मी बहाली को लेकर, संविदा और नियोजित नहीं चाहिए स्थिति को लेकर तब ये लाठी चलाते हैं। युवा जब विशेष राज का दर्जा मांगते हैं तो लाठी चलाते हैं। अपराधी माफियाओं को ये थाना में बैठाते हैं, जवाब नहीं देंगे। मेरा काम है माफ करना, उनका काम है हमें डसना। करूंगा बिहार में सभी नेताओं को इस संपत्ति जांच हो, और नेता लोग का कोई मतलब ही नहीं है, सरकार ही नहीं। बिहार कोलैप्स हो गई, विपक्ष नेतृत्वहीन हो गई, विपक्ष मर गया, लड़ाई आर पार है, कोई समझौता नहीं ले जाएगी। हमारी स्पष्ट मांग है
कि हमें राज्यपाल महोदय से मिलवाया जाए। अरे कहाँ गए पप्पू जी, हमें कहीं और ले जाया जाता है। राजा पप्पू बुलाओ ना यार, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी ना कि कोई और होगा, नीतीश कुमार जी इसके जिम्मेदार होगा अगर हमें कहीं और ले जाया जाता है। हम लोग बिल्कुल आप जा रहे हैं शिक्षा से, चलिए मिलने जा रहे हैं। चलिए नेत्री यहाँ से गिरफ्तार की गई, वो थाने में अब कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए इनकी मंशा पर मुझे पूरा शंका है। और राजभवन मार्च और राजभवन में डेलीगेशन, ये कार्यक्रम था हमारा 5 सूत्री मांगों को लेकर के, लेकिन जबरन पानी गोली और लाठी चला करके ये हमें प्रताड़ित भी कर रहे हैं और राज्य की जनता को साथ ये अन्याय भी कर रहे हैं और हमारे साथियों को बदनाम भी कर रहे हैं। बालू माफियाओं से, जमीन माफियाओं से, और जो है आपको जो है मेडिकल माफियाओं से, शिक्षा माफियाओं से, इसलिए महामहिम राज्यपाल के यहाँ हम सभी को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। महामहिम के यहाँ जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव हम लोग बाहर लगाने जा रहे हैं। महामहिम नीतीश साहब सत्ता नहीं संभालने वाली है, नीतीश को हटाइए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए और महामहिम से गुहार लगाएंगे। जमीन माफिया, बालू माफिया, बलात्कार माफियाओं को जल्दी से जल्दी बिहार से मुक्त करिए। राजभवन मार्च हमें शासन और प्रशासन।